Good morning, dear students. We were reading our topic models. हम लोगों ने worksheet 10 तक कर ली थी. Let's continue with the worksheet 11. Worksheet 11 में बात करें हमारी English reader की book की, जिसमें से chapter था हमारा performing arts. अभी हमने ये chapter तो करा नहीं है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है? Make a list of any 5 magical tricks that PC sorcerer could perform. The first one has been done for you. यानी कि PC sorcerer जो हैं वो वहाँ के एक person हैं. अभी वो कुछ activities पहले perform कर सकते थे. He could perform. So हमें basically क्या करना है? हमें grammar के कुछ sentences बनाने with the help of could. So we don't need to read this chapter. हमें क्या करना है? कुड से कोई भी 5 सेंटेंसेस बना देने हैं. सपोज ही कुड वर्क हार्ड, ही कुड सिंग वेल, ही कुड रन फास्ट, ही कुड सी द मैच. यानी कि जो चीजें वो कर सकता था. आपको मॉडल्स मैंने कराए थे ना, कुड कहाँ कहा था मैंने कि कर सकता था, दैट इंडिकेट्स पास्ट है. नेक्स्ट देखो, नाउ लिस्ट 4 थिंग्स दैट यू कुड हैव डन लास्ट ईयर टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन क्लास 12th. अच्छा जी, क्लास 5 में आप ऐसी क्या चीजें कर सकते थे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. फर्स्ट इज डन, आई कुड हैव वर्कड हार्ड इन इंग्लिश. मैं इंग्लिश में काफी वर्क हार्ड कर सकता था. आई कुड हैव वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव माई हिंदी हैंड राइटिंग. ओके, आई कुड हैव वर्कड हार्ड इन मैथ्स. आई कुड हैव वर्कड हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स. ओके, यानी कि आपको लास्ट ईयर के जो मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं जिनकी स्टार्टिंग में कुड हैव आए. ठीक है, उसके बिहाफ उससे रिलेटेड हमने कुछ सेंटेंसेस जो है वो बनाने हैं. चलिए, वर्कशीट 12 की बात कर रहे हैं, द रेड ट्रैप, यानी कि चूहे को ट्रैप, जाल में फंसाना. सो यहाँ पे देखो, इन ओल्डन डेज रैट्स यूज्ड टू बी फूल्स दैट दे वर कॉट इन द रैट ट्रैप्स. यूज्ड टू क्या होता है? विच शोज हैबिट, विच शोज आदत. यानी कि आदत के रिलेटेड हम जब भी सेंटेंसेस में मॉडल का यूज करना हो, हम उसमें यूज्ड टू की बात करते हैं, विच शोज द हैबिचुअल ऑफ दैट. अभी वो कह रहे हैं कि जो चूहे थे वो हैबिचुअल थे, कि वो पागल बन जाते थे और हमेशा चूहेदानी में या पिंजरे में फंस जाते थे. ठीक है, इन द ओल्डन डेज, पहले की बात कर रहे. ठीक है, अभी हमें और सेंटेंसेस बनाने हैं. सेंटेंसेस हमारे पास गिवन है, हमें सिर्फ उनमें से फिल करना है हमारे ऑप्शंस में से. ही अगेन थॉट, कैन आई जंप अक्रॉस द ट्रैप? कैन आई, क्या मैं दोबारा ट्रैप से जंप कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ की सेंस आएगी कैन. ओके, ही फियर्ड आई माइट फॉल इन द ट्रैप. वो डरता था, पास्ट की सेंस है, कैन नहीं आ सकता, बचा क्या? माइट. बट ही कुड सक्सेसफुली क्रॉस द ट्रैप, लेकिन वो कर सकता था. ही कुड, अब यहाँ पे कैन नहीं आएगा, बी एबल के तो सेंस ही नहीं बन रही. बट ही बी एबल टू, नो, ही कुड सक्सेसफुली क्रॉस द ट्रैप. वर्कशीट 13 पे आते हैं, वर्ल्ड इन 2015. अच्छा, इतना पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास क्लूज गिवन है. वर्क, रोबोट्स, टैप सप्लाई, मिल्क, कंप्यूटर्स, टीचर्स, हेलीकॉप्टर, स्कूल ट्रांसपोर्ट. कह रहे हैं 2050 में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं, उसके बिहाफ पे कुछ सेंटेंसेस जो हैं हमें बनाने हैं. फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू, स्टूडेंट्स माइट गो टू स्कूल बाय हेलीकॉप्टर्स, कि बच्चे हेलीकॉप्टर से स्कूल में जाया करेंगे. ओहो, ऑल द वर्क माइट बी डन बाय द रोबोट्स, सारा काम जो है वो रोबोट्स के द्वारा किया जा सकता है. नेक्स्ट, कंप्यूटर्स माइट बी द टीचर, कंप्यूटर्स ही हमें टीच कर सकते हैं. लाइक अभी आपके पास जो टीचर्स हैं, मैं कोई भी, लाइक अभी 2050 में क्या हो सकता है कि टीचर्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं. फोर्थ है, मिल्क माइट बी सप्लाइड बाय टैप, अभी आपके टैप से पानी आता है. सो वो कह रहा है कि टैप से मिल्क भी आ सकता है. ठीक है, दैट आर जस्ट एजम्पशंस कि 2015 में क्या हो सकता है, दैट्स नॉट इन रियल. चलिए, वर्कशीट 14 की बात करते हैं, थिंक एंड गेस वाई. आपके पास बच्चे पिक्चर्स गिवन है और सेंटेंसेस गिवन है, यानी कि ये क्वेश्चन फॉर्म में है, आपको इनका आंसर देना है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. सो इजी. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज ही पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ट्री टॉप. वो ट्री टॉप पे क्या दिखाना चाह रहा है? देयर माइट बी रोबोट इन हिडन इन द ट्री, वो दिखाना चाह रहा है, शायद पेड़ के पीछे रोबोट छुपा है. सो आपको कुछ भी आंसर बनाना है, लाइक विद द हेल्प ऑफ क्लू, कुछ भी हो सकता है, सबके डिफरेंट भी हो सकते हैं.
सेकेंड है वाई इज दैट लेडी गोइंग आउट लिविंग द मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड. वो लेडी भाग के बाहर क्यों जा रही है जब वो देख रही है कि इंसान उस पर धरती पे है. तो लेडी इज गोइंग आउट, लेडी के स्पेलिंग रोंग है. लेडी इज गोइंग आउट बाहर जा रही है. माइट बी शी थिंकिंग मैन इज डेड, उसे लग रहा है कि शायद आदमी जो है वो डेड है और इसलिए वो भाग के बाहर जा रही है. थर्ड है वाई इज दिस मैन सिटिंग इन द कार, ये आदमी कार में बैठा क्यों है. द मैन इज सिटिंग इन द कार मे बी वेटिंग फॉर समवन, क्या पता वो किसी के लिए वेट कर रहा हो, है ना. वैसे वो ड्राइवर सीट पे नहीं है सो मे बी वेटिंग फॉर समवन. फोर्थ है हमारे पास वाई इज द मैन ऑन द स्टेयरकेस पॉइंटिंग इन बोथ द डायरेक्शन. स्टेयरकेस स्टेडियम पे जो इंसान है दो डायरेक्शंस में क्या शो कर रहा है, कुछ भी हो सकता है. द मैन माइट बी थिंकिंग टू चेंज द पेंटिंग्स इन बोथ द डायरेक्शन, और दोनों डायरेक्शन में जो पेंटिंग्स है शायद उनको चेंज करने की कोशिश कर रहा है. चलिए वर्कशीट 15 पे आते हैं. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस व्हाट द डूअर इज डूइंग. पिक्चर को देखो देन आपको आंसर करना है कि वो क्या कर सकता है. फर्स्ट है ही माइट बी थिंकिंग ऑफ ड्रॉइंग अ पिक्चर, मे बी वो पिक्चर बनाने की सोच रहा है. चलिए सेकेंड है इट माइट बी थिंकिंग ऑफ वेटिंग, वो क्या कर रहा है, शायद कुछ खाने की सोच रहा है. थर्ड है ही माइट बी थिंकिंग ऑफ सेइंग समथिंग, शायद वो कुछ कहना चाह रहा है. ठीक है, सबके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, नो नीड कि सबका सेम होना चाहिए. शी माइट बी थिंकिंग टू जंप, क्या कर रही है, शायद जंप करने के लिए कोशिश कर रही है, सोच रही है. ठीक है, चलिए वर्कशीट 16 पे आते हैं. हैबिट और रूटीन की बात करें, आपके पास यहाँ पे दो कॉलम्स गिवन है और इसमें 5 सेंटेंसेस हैं, आपको उनको मैच करना है. मैच करने के बाद आपको इनको लिख देना है. चलिए मैच कर लेते हैं. फर्स्ट देखते हैं लुक फॉर माई ग्रैंड फादर इन द पार्क, पार्क में ग्रैंड फादर को देखो. अब देखो ग्रैंड फादर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही से रिलेटेड कोई और सेंटेंस है, सिर्फ एक है. फर्स्ट आ जाएगा ही वुड सिट देयर 4 hours, वो घंटों वहाँ बैठते हैं. आई हैड फेथ इन गॉड, आई से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आई से रिलेटेड दो ही सेंटेंसेज हैं. आई यूज्ड टू, देखो पास्ट की बात करें तो हम यहाँ पे पास्ट में लेके जाएंगे तो प्रेजेंट है, इसलिए हमारा सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा. थर्ड है आर हाउस वॉज नियर द जू, आवर, आवर का क्या बन जाएगा, वी, वी से रिलेटेड कौन सा है, एक ही है सो इट विल बिकम द थर्ड आंसर. फोर्थ है डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में मत सोचो, अभी मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा. आई एम यूज टू कीपिंग, यूज टू कीप आएगा यहाँ पे, आई एम यूज टू कीप अवेक टिल लेट आवर्स, मुझे देर देर तक जागने की आदत है. फिफ्थ है वी रिक्वेस्टेड द अथॉरिटीज टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स, हमने रिक्वेस्ट किया अथॉरिटीज को कि सड़क से कुत्तों को हटाने के लिए, क्यों, दे वुड क्रिएट अ नुइसेंस फॉर एवरीवन, बिकॉज वो सबके लिए परेशानी क्रिएट करते हैं, सारे दिन भौं भौं करके सबको परेशान करते हैं. सो यह हमें मैच कर ली, अब इनको आपको लिखना है. ये जो हमने मैच किया हुआ सिंपली. वर्कशीट 17 की बात करते हैं. वर्कशीट 17 में भी कुछ नहीं है, आपके पास पिक्चर्स गिवन है, उनके बिहाफ पे आपको सेंटेंसेस बता रहे हैं. फर्स्ट आपके पास गिवन है आई यूज टू वॉच टेलीविजन, सबके सेंटेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं. सेकेंड है बेड देख के कुछ भी बनाना है, आई वुड स्लीप ऑन माई, आपको स्टार्टिंग दिया हुआ है, आपको आगे कंप्लीट करना है. आई वुड स्लीप ऑन माई बेड एट 11 PM, मैं 11 बजे तक अपने बेड पे सो जाता हूँ. आई यूज टू पहले ये हैबिट की बात कर रहा है. आई यूज टू कीप माई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द ड्रॉर्स, ड्रॉर्स दिख रहे हैं आपको, कुछ भी बना सकते हो आप, इस मशीन से बना सकते हो, फ्रिज से बना सकते हो. फिफ्थ में, फोर्थ में आपको क्या दिख रहा है, बाथ टब दिख रहा है. सो आई यूज टू हैव बाथ इन अ बाथ टब, ठीक है. आई यूज टू, मेरी हैबिट थी कि मैं नहाता था किस में, बाथ टब में, गॉट दैट. चलिए डू इट योर सेल्फ ऐसे तो आपको खुद को करना है, बट मैं आपको समझा देती हूँ. फिल इन ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स, मॉडल्स आपको फिल करने हैं. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, फर्स्ट आपको गिवन है, बहुत इजी है बिकॉज आपके पास क्लूज भी गिवन है, ऑप्शंस भी हैं, आपको उनमें से छांट के हिंदी बना के आपको फिल कर देने. फर्स्ट गिवन है यूज टू, सेकंड है ही कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है इफ़ ही वांट्स, अगर वो चाहता है, बिकॉज ही हैज़ सारा आपके पास प्रिजन में जा रहा है. सो यहाँ पे हमारे पास कैन आ जाएगा. थर्ड है शी आस्क्ड मी इफ आई, अब देखो यह पास्ट में जा रहा है, इफ आई कुड आएगा, इफ आई कुड हेल्प हर. आई यूज टू तो सेंस ही नहीं बन रही है यहाँ पे, है तो ये भी पास्ट में बट इसकी कोई मीनिंग नहीं बन रहा है. इन हिज चाइल्ड हुड डेज ही
would visit our house regularly. I cannot solve this sum. It may rain, possibility ki baat ho rahi. In winters we would go to bed very early. She drove us so that she might catch the train. Gandhiji used to. Habit ki baat ho rahi. News that is a holiday could be false. Galat ho sakti thi. Ab yahan pe should to aana nahi chahiye. Should basically kiske liye aata hai? चाहिए वाले सेंस में ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा थोड़ी है कि न्यूज़ गलत होनी चाहिए. न्यूज़ गलत हो सकती थी वाली सेंस है, तो यहाँ पे कुट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ईजी है आपके पास मॉडल्स की मैंने, और उसमें से आपको गलती निकालनी है. लाइक यहाँ पे कैन नॉट एक मॉडल है, आपको मैंने बताया मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, सो यहाँ पे रॉन्ग है, वॉक आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन में भी राम यूज्ड टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आते हैं, यहाँ पे वेंट लिखा है, रोंग आ जाएगा, गो आ जाएगा. थर्ड में भी कैन भी कीजिएगा, मे आएगा. फोर्थ में मस्ट की जगह माइट आएगा. ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन में भी आपको ऐसा फिल करना है. बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स कैन यू डू, आई कैन लिफ्ट, मैं ऐसा कर सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो वॉश, मैं बर्तन धो सकता हूँ. कैन यू डिड, आई कैन रीड एंड लर्न. अर्लियर, अर्लियर मैंने पहले पास्ट की बात करा, सो यहाँ पे कैन नहीं आएगा, कुड आएगा. आई कुड राइट. नाउ अब की बात करें तो अब में कैन आ जाएगा. डू यू थिंक यू कैन स्विम, आई डोंट नो, आई मे बी एबल. लाइक इसमें अभी क्या है, उसको पॉसिबिलिटी है, दैट्स वाई वो कैन नहीं लगा सकता, मे यूज कर रहे हैं. लास्ट में यू मस्ट प्रूव, तुम्हें करना चाहिए खुद को prove to be a very successful robot. As a successful robot, करना चाहिए वाले सेंस में आप must लगा सकते हो, should लगा सकते हो. ठीक है, so ये थे हमारा topic models. Hopefully आपको topic clear हो गया होगा. So if you face any doubt or any query, you can ask me. Till then, you have to revise yourself. You have to fill your book yourself. कोई doubt होगा पूछ सकते हो. Till then, take care. Have a great day. Bye bye.